यार जितने थे नुक्ता ची ठहरे, इसलिए हम नहीं कहीं ठहरे। 4 हफ्तों की जमानत थी, मगर जब से लंदन गए वहीं ठहरे। वापिस लाने की हो रही है तैयारी, लो फिर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? वाह वाह, आप खैर तो है? बस आज बैंक जाना था, पहले सफाई करने जाना है अकाउंट की, इनमें थोड़े रखे हैं। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना, लेकिन सर आपका जो है कॉम्बिनेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। तुसी ज्यादा प्यारे लग रहे हो, सारी बात है जी। अमदाद लाने वाले जागीरदार लग रहे हैं। इन्हें तो एक दिन फकीर कुटन दिया। क्यों? फकीर नु मैं क्या की होया, कहंदे मन ना बन के मंगन दिया ते 100 पा के 500 दा बकाया चुकन लगे। बस भाई ना हुंदी है इंजे। एक फकीर ने इन्हां को 10 रुपए मंगे, इन्होंने 100 रुपए 100 दे के कहंदे तू तो बड़ा अमीर हुंदा सी, फकीर किवें बनया? कहंदे मेरे को भी कोई 10 मंगदा सी, मैं 100 ही देना सी। मुझे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर और साथ ही साथ चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी, जनाब इंजीनियर फहीम अहमद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान अमेरिका तशरीफ लाई हुई है मॉडल निमरा जेकब। शो जी, माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बिल्कुल यंग हैं सर जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात पे शेर कहूं। चलो जर्नल हालात मून सुनी शेर कह देते हैं सर। कि कचरा कुंडी बन गई हैं सड़कें, नाले बन गई गलियां, कचरा कुंडी बन गई सड़कें, नाले बन गई गलियां, बरस बरस कर बारिश बेगम कर गई वादे नंगे, महंगी गाड़ियों वालों के सर से गुजर रहा है पानी, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं सारे नंग मुनंगे। दीवा साडे घर दा जी है, अरे वाह, दीवा साडे घर दा जी है, साडे अग्गे नेरा की है, हाय हाय हाय, ते अथरू अख दा सका पुत्तर, कूक ते पक्की दिल दी धी है, साडे अग्गे नेरा की है, हाय 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 हाय। वाह वाह, क्या बात। हर कोई यकीन करता है उस पे इतना एतबार है, वाह, वो मुझसे प्यार करती है इस बात का मुझे खुमार है। एक बात हमें सच बता दें खान साहब, कौन सी जेब में पैसे हैं और कौन सी जेब में नसवार है? वाह 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 जी। फहीम साहब क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है, जबरदस्त। सर आपने शो देखा हुआ है? जी जी जी। और अंदाजा है? अंदाजा है, इसलिए तो आप लोगों ने मुझे बुलाया। नहीं हमें तो है, आपको क्या अंदाजा है? सही, पूरा पूरा देखे हैं तुझे। खान साहब आप इंजीनियर हैं, आप क्या पानी वाले पिस्टल बनाते हैं? नहीं जी, हवा वाला। कौन सा वाला? कुछ नहीं। कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर, चिप डिजाइनिंग माइक्रो कंट्रोलर्स। अच्छा, आप ये समझो कि क्या होता है ये। ये कुछ होता है, मुझे बताया था किसी ने। लेकिन आपने देखा हुआ है तो आपको अंदाजा है, आप कोई दोस्तों को बताकर आए पेशावर के ये मैं जा रहा हूँ शो के ऊपर, तो कोई मशवरा वगैरह देने दे दो? नहीं, उसके बाद बताऊंगा, शो के बाद। अच्छा नहीं, उसके बाद तो उनको खुद पता चल जाएगा। हाँ जी, आपके दोस्त कहेंगे यार ना आपकी हमें समझ आई ना उनकी समझ आई। और निमरा आपने शो देखा हुआ है? पहला यस इंग्लिश। यस इंग्लिश में होता है। और क्या आपने गेज किया शो से? यू गाइस आर वेरी फनी, सम ऑफ यू गाइस आर अ लिटिल फ्लर्टी। Some of the guys or just one guy? Maybe one. Okay. And other than that, I think you guys like to have a good time. Okay. जी तो फहीम भाई ये बताएं कि क्या हालात है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के? अच्छे हैं, ठीक है हालात। अच्छा जी, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? मसले तो खत्म नहीं होते, जब इंसान पैदा होता है तो मसले शुरू हो जाते हैं। भाई मैं तो
हुकूमत का पूछ रहा हूँ. हुकूमत के है मसले मसाइल है लेकिन हम कर रहे हैं इंशाल्लाह. हम हार मानने वाले नहीं हैं. ठीक है. और वो जो बस है अब सही चल रही है? चल पड़ी है. चल तो पड़ी है लेकिन सही भी चल रही है कि नहीं? बिल्कुल सही चल रही है. वो रोज हम देखते हैं खबर आती है कभी इधर निकल जाती है कभी उधर निकल जाती है. जब ओपनिंग हो रही थी तो 14 अगस्त भी था तो रश भी बहुत थी. हाँ. तो लोग बड़ा वेट भी लोगों ने किया था तो उसमें एकदम से रश हो गया. ठीक है. तो मीडिया वालों ने शोर उसमें बनाया कि ये हो गया वो हो गया. अच्छा तो यानी कि आप लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है आप एक डिसएग्री करें वो और बात है लेकिन इसमें एक और चीज जो मीडिया से हमें गिला है. जी जी. ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था और ये मीडिया वालों ने शोर मचाया था कि इधर इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए उधर इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए. ठीक है. ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट अब हो गया है तो हम चैलेंज कर रहे हैं नैब को भी मीडिया वालों को भी कि अभी इसमें इंक्वायरी करें. आप नैब को चैलेंज कर रहे हैं? हाँ सबको कि आज अब इसमें इंक्वायरी कर लेना. जितनी छोटी सी उम्र है आप चैलेंज ना करें मैटर करें. नहीं मगर बात यह कि उन्होंने चैलेंज नैब को कर दिया तो नैब और आप आपस में खुद ही कर लें डिसाइड. हम लोग तो साइड पे बैठे हैं भाई. है ना वो इंक्वायरी चाहते थे ना मीडिया वाले. अभी नैब वाले चाहते हैं हम तो कुछ नहीं चाहते. हम तो सिर्फ आराम से निकल लेंगे. अभी शुरू कर ले इंक्वायरी स्टार्ट शुरू करें. नैब वाले ओपन चैलेंज आ रहा है आप लोग को. आपको नैब का वैसे हेल्पलाइन नंबर पता? नहीं जी नहीं पता. किसी को यहाँ पे याद है वो 111 समथिंग कुछ था? अभी 3-4 मिनट है माशाल्लाह नैब वाले आ रहे हैं बिजी रहे हैं. ये क्यों नैब वाले उसे क्यों डराते हैं? इनको बताएं आप क्या आप नहीं डरते? बाकियों का तो पता नहीं है. मैं नहीं डरता अल्लाह के फजल करम से. बाकी वैसे कोई है चांस डरने डरने का? अभी इंसान जो डिफरेंट है ना एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो अभी हम मैं उसमें क्या कह सकता हूँ उनकी सोच उनके दिल में तो मैं नहीं. ठीक है. ये बताइए निमरा जी आप न्यू जर्सी से यहाँ पे आई? जी वैसे जी. वहाँ पे क्या मॉडलिंग खत्म हो गई थी जो आपने कहा कि मैं पाकिस्तान में करूँगी? लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं आपने वापसी का रूट इख्तियार कर लिया? नहीं वहाँ मैंने किया था. बट व्हाट मेड यू कम टू पाकिस्तान स्पेसिफिकली एंड सेटल ओवर हियर? दैट्स सच अ गुड क्वेश्चन. सो आई थिंक वन इट वाज मी ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड टू माय रूट्स अगेन एंड देन आई फाउंड पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम पाकिस्तान? यस. लेकिन पाकिस्तान में आपकी मॉडलिंग इतनी कामयाब नहीं होगी क्योंकि इधर इतनी इंग्लिश किसको आती नहीं है. उन्होंने इंग्लिश की क्लासें नहीं पढ़ानी उन्होंने मॉडलिंग करनी है. होता ना जैसे दिस इज मी दिस इज यू. खान की गवर्नमेंट आई है उसके बाद इन्होंने कहा कि तब्दीली आ गई है तो आ रहे हैं ये. अच्छा आप बताइए इस पॉइंट को वेरीफाई करना चाहेंगे? ऑनेस्टली खान के आने से पहले भी यू नो वी वर वर्किंग एंड मॉडलिंग हियर. So I think things are going very well here. Well, आपका कोई ताल्लुक नहीं है उससे. खान साहब के आने से पहले भी आ रही थी. नहीं उन्होंने कह दिया कि चीजें अच्छाई की तरफ जा रही है. नहीं मैंने कहा चीजें अच्छी हो रही हैं वैसे. हाँ तो ये जिंदगी वैसे ही अच्छी है. आप ना क्रेडिट लें अगले का मतलब यहाँ से आना भी आप ले गए हैं. क्या कर रहे हैं आप लोग? और वो उससे पहले भी आ रही थी तो आपने सोचा कि रूट से कनेक्ट करने के लिए. हाउ लॉन्ग डिड यू लिव इन जर्सी फॉर? सो आई वॉज बोर्न एंड ब्रेड देयर. ओके. मीनिंग मैं वहाँ पैदा हुई हूँ. ठीक है. और उसके बाद आप सीधा यहाँ पे आई पाकिस्तान मॉडलिंग के लिए? नहीं यू नो बचपन में आई वुड कम एंड विजिट. अच्छा. आई हैव एक्सटेंडेड फैमिली हियर सो आई एम वेरी क्लोज विद देम. आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड सो आई वुड कम एंड आई वुड विजिट एंड आई हैव ऑलवेज हैड दिस कनेक्शन विद पाकिस्तान. मगर अभी आप उधर ही रहते हैं हमें जरूर मुसीबत में डालना था इधर आके. वो जी कुड़ी अंग्रेजी बोलती बोलती ना पंजाबी जिस किस्म का डांटती है ना. Oh no, वे तुसी ते मगरों लै जाओ. ऐसी कोई बात नहीं है उनको समझ भी नहीं आ रही आपकी बात. आपको समझ सर के ऊपर से गुजर गई है. पंजाबी का पता ही नहीं है. अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोल. दिस इज दैट डैगो नो 14 अगस्त नु मेरे भरा ने वन विलिंग की थी. मैं तुम दस नहीं सकता कभी कभी. अच्छा सबसे ज्यादा हंसी किसको आई है भरा? वैसे आपको कभी कोई हुआ है इंटरेस्ट मॉडलिंग एक्टिंग मौसीकी किसी चीज में? नहीं. कभी कोई मौसीकी सुनी? सुनता क्यों नहीं है. क्या सुनते हैं? गाने सुनते हैं. और कौन क्या? से गाने? पश्तो के उर्दू के जो हिट होते हैं. सिंगर्स बताएं जो आपके पसंदीदा हों. पश्तो वाले कोई पश्तो उर्दू सब बताएं. हमारी तरफ तो वो जो है नाजिया इकबाल. ठीक है. सबसे मतलब अच्छा गाती है. फिर उसके बाद है गुलपाणा है. ठीक है. बिल्कुल. हमारे जो है हशमत सार साहब है. ठीक है. तो उनके गाने सुनते हैं. ठीक है. और उर्दू में किसको पसंद करते हैं? उर्दू में ये जो अभी आपके जो कोक स्टूडियो वाले आते हैं. अच्छा. साहिर अली बगा उसके गाने बड़े अच्छे हैं. अच्छा तो यानी कि मौसीकी से दिलचस्पी तो है? बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा. एंड व्हाट अबाउट यू डू यू लिसन टू एनी पाकिस्तानी म्यूजिक? दैट इज सच अ गुड क्वेश्चन.
I'm very much into classic music, like back in the day type of classic. I listen to Lata. I listen to Muhammad Rafi. Rafi sahab, acha. Yeah, so you know, like Ajeeb Dastan hai ye and. एक old soul है आपके अंदर. Old soul, yes. आपके अंदर भी कोई है old soul या वो भी नया ही है? बहुत सारे soul हैं मेरे अंदर. Old soul. उसी तरह डल जाता हूँ. बड़ों के साथ बड़ा, बच्चों के साथ बच्चा. अच्छा, बच्चों के साथ बच्चा भी. हाँ. तो क्या बच्चों के साथ वाले गाने कौन से सुनते हैं वैसे? ओ, तराने वगैरह, पोएम वगैरह. अच्छा. हाँ ना, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुल्फ, सारे उनके साथ जाते. ये तो आजकल आप लोगों को वैसे बड़ा सूट करता है. वालों को हर वक्त पूछ रहे होते हैं बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी ब्लैक शिप. ये क्यों सारे जो हमारे मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि ये अभी इमेच्योर है, बच्चे हैं, मतलब गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं. फिर जब इलेक्शन आते हैं हम 2/3 मेजोरिटी ले लेते हैं. हाँ. ये क्या हो जाए? नहीं, ये आप बताइए क्या होता है वैसे? तो ये वो पैमाना वो है ना, 2023 में पता चलेगा कि हम बच्चे थे, मेच्योर थे, कुछ किया है, कुछ नहीं किया है. बिल्कुल, ये तो है. अभी तो कुछ नहीं कह सकते हम. अभी तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी किया भी कुछ अभी, नहीं. अभी 2023 तक आप इंतजार करें. हम तो इंतजार में बैठे हैं, आप फिक्र ना करें. सर जी, ये इजाज़ साहब की तरह नहीं, हीर रांझा वाले लग रहे हैं. हाँ बिल्कुल, इजाज़ दुरानी साहब की तरह. इजाज़ दुरानी साहब की तरह लग रहे हैं. झलक आती है. आपने देखी ये पाकिस्तानी फिल्म एक थी हीर रांझा, उसका वो गाना देखा है? कौन सा वाला? वो मटके के साथ वो. हाँ हाँ, सुन वंजली जी मिठड़ी टाल. हाँ हाँ बिल्कुल, वो बहुत दफा दोबारा नहीं देखी है. हाँ, वो उसके जो हीरो हैं कह रहे हैं आप उनकी तरह लगते हैं. ये पता कोई नहीं. खान साहब बाद में कहते हैं मौला जट भी मैंने लिखी थी. दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, फिर भी बने ना बात तो डर जाना चाहिए. वो जिनको बजाहिर नहीं अंजाम की परवाह, सच है कि उन्हें डील गायब आना चाहिए. कहते हैं कि घबराइए नहीं, लेकिन हमें लगता है कि घबराना चाहिए. आहो जी आ. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. फहीम साहब, ये बताइए, आपको आमतौर पे सुनने को मिलता है कि आप बहुत यंग लगते हैं? तो मैं यंग हूँ. आपकी उम्र क्या है? उम्र तो नहीं बताते हो. चलो ठीक, उम्र ना बताएं, मगर आप बहुत यंग हैं. जी जी. ये आप हमेशा से ऐसे ही हैं या अब जाके बड़े हुए हैं? मैं रनिंग करता हूँ मुसलसल, कंटिन्यूस. कितनी रनिंग करते हैं? 5-6 किलोमीटर. 5-6 किलोमीटर, और कब से कर रहे हैं? स्कूल कॉलेज. स्कूल के जमाने से ही अब भाग रहे हैं? पढ़ते नहीं थे ना, भाग जाते थे. अरे नहीं नहीं, पढ़ते थे. इंजीनियर ऐसे नहीं बनता इंसान. इनको क्या पता, बताएं इनको इंजीनियर बनना कितना मुश्किल है. ये पे ईरो में है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में है. मिसाइल आपके मुल्क के लिए मिसाइल एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं. वो पढ़े लिखे होंगे ना, इसलिए इधर है, आप उधर ही हैं. नहीं, मगर वो दोस्त जो है, वो इंजीनियर बनना कितना मुश्किल काम होता ये है. तो खान के साथ हम पॉलिटिक्स में आ. लेकिन ये मोहब्बत में आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, ये ना दोस्तों को कहकर मेरे घर में मिसाइल फेंकवा दे. अखबार नहीं है, मिसाइल फेंकवा दे. आप खुद ही बताइए किस किस्म की बातें कर रहे हैं आपसे. उम्र आपको सच्ची नहीं पता? अरे पता नहीं, वो बता नहीं रहे. बता नहीं रहे ना. 44 तक होगी लगता है, कहीं से भी नहीं है. सोचो आप 24 के लग रहे हैं. निम्रा जी आप बताएं, हाउ ओल्ड डज ही लुक? He looks like sweet 16. ओए होए, वो कह रही हैं आप 16 साल के लग रहे हैं. 13 साल की बेटी है वो, उसको मैं कहता हूँ आप मुझे लोगों के सामने बाबा ना कहा करे, कजन कहा करे. देखिए वैसे बड़ी बात है, देखिए आपको वैसे इस तरह अमूमन कॉम्प्लीमेंट यानी कि मिलता रहता है. जी जी, कि आप इतने यंग, काफी मिलता है, काफी मिलता है. ये देखिए इतने यंग लगते हैं. एंड डोंट वरी, आई एम नॉट गोना आस्क यू योर एज. ओके, सो यू कैन ब्रीद आउट. वो तो उन्होंने खुद ही बता दिया. मगर यू स्टडीड पीआर एंड स्ट्रेटेजिक पब्लिक मैनेजमेंट? यस. और उसके बाद मॉडलिंग? यस. व्हाट आर यू डूइंग विद दैट डिग्री? यू नो व्हाट, आई एक्चुअली एम डूइंग अ लॉट विद दैट डिग्री. सो when you go to university you gain a lot of different skills, and along with my degree came the skill of PR and marketing, and plus I minored in film studies as well. Akram bhai, ye jada program hai na duniya news ne CNN te chalna hai yaar, mujhe lag raha hai sab kuch. Matlab itne intense sawal mujhe pucha ja raha hai. Ha aisa pucha, aapko intense jawab bhi dunga. Ye intense sawal tha? Ji bilkul, to halke pulke sawal hote. Ye to matlab ek normal sa tha ki aapne ek degree li hai to wo उसका आप कुछ नहीं कर रही? पूछ ला, आज अंग्रेजी नहीं आती. नहीं, फिर आपको अनइंटेंस हम दिखाते हैं चीजें. पूछ ला, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. माय लिटिल ब्रदर दिस ऑन पूछी यार भी रखी गई. सो व्हाट, आई
आप मुझसे उर्दू में बात कर सकते? आप उर्दू में बात करते हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि एक तो ना जिंदगी में एक जीवन साथी आइडियल आपका होता है, तो कैसा होना चाहिए? आपके सामने बैठा है तो कैसा होना चाहिए? ये भी बहुत इंटेंस सवाल है। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर शुड बी ए म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आपका मेरा इंग्लिश का मजाक नहीं है, आपको मेरा उर्दू का मजाक है। मैं आपकी आसानी करता हूं, आप मुझे बताएं क्या, आप बताइए प्लीज। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, इज्जत करने वाला होना चाहिए। ही शुड नो सम इंग्लिश, उनको कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, आई एम वेल एजुकेटेड बॉय। बॉय? आप इनकी अम्मी की नजर से देखें तो ये बॉय ही है। और बताइए। यू नो देयर शुड बी ए कनेक्शन ऑफ कोर्स। ये सारी चीजें तो इसमें है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तक तो मुझे बताया उन्होंने कि इज्जत करने वाला होना चाहिए, उनके साथ एक कनेक्शन होना चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश उनको आती हो, तो ये तो मैनेजेबल चीजें हैं। कोई ऐसी बताएं जो हम मैनेज ना कर सके। Also someone maybe that is yeah close in उमर with me। उमर के अंदर करीब हो आपके? Yeah, your age please। Oh, let's not tell me. Talk about age. Aur to se nahi. Your age? 25 old. 25. Yeah. 100%. Tax card ke bachche se. Aap kya kehna cha rahe hain? Basically, he wants to get an idea that what would be the most ideal person that you would like to be with eventually. In easy words. God, honestly, I don't even think about it right now because it is not something on my mind. Wo kehne mere taaya ji bimar, us to baad main sochunga. Wo keh rahi hai main sochungi nahi kyunki mere zehen mein ye baat hai hi nahi. Acha zehen mein ye baat hai nahi. Ye honi chahiye. Let me clarify something, Nimra, that I know this is like, you know, a very personalized thing, but you have to keep in mind that you're in Pakistan now. So in case if you are missing your phuppo or khala, we have got samples over here. I think you are trying to matchmake me. Yeah, exactly. So they just want to get an idea of what you might later look for whenever you do. Because these guys interact with a lot of people, a lot of guys come over here. So ye shayad dekhte rahe, they might keep an eye out for you. Well, you know, when I know and I see someone, I will understand that that person is from. Agar mujhe itni English aati, main udhar baitha hota. वो कह रही है कि जब मैं चाहूंगी कि मेरा कोई इस किस्म का प्रोग्राम हो तो वो खुद ही कर लेंगी बात। आई थिंक दैट्स व्हाट यू सेड। बस ठीक है, फिर मेरा नंबर लिख लें, व्हाट्सएप नंबर। जब जेन आपका बने तो कुर्सियों का ऑर्डर आपने मुझे देना है, टेंट का, कुर्सियों का, देगे भी पका लेता हूँ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। Nimra, आप जब से आई हैं पाकिस्तान, what is the thing that you like the most about Pakistan? The people's hospitality. अच्छा। I think they have a very big heart. यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मैं क्लियर कर दूँ, पाकिस्तानी लोगों की हॉस्पिटैलिटी ये ना समझना कि पाकिस्तान में जो हॉस्पिटल है उनको बहुत पसंद है। मेहमान नवाजी, ओके। Also the food. फूड, खाना बहुत पसंद है, ओके। एंड प्लस देयर्स अ नेचुरल ब्यूटी हियर। नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन्स, एंड इफ यू गो अप नॉर्थ देन देयर्स। हैव यू ट्रैवल्ड अप नॉर्थ? आई पर्सनली हैव नॉट, बट आई एम प्लानिंग टू वेरी। यू प्लानिंग टू? ओके। और देखो मैं न्यू खान से ट्रैवल बहुत कीता है। अरे नहीं यार, नॉर्दर्न एरियाज के ट्रैवलिंग की बात कर रही है। और व्हाट इज द थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट Pakistanis? It's like when there's a one-way road, दूसरी तरफ से one-way को जो तोड़ते हुए आ रहे होते हैं। जी। ये आपको पाकिस्तानी में बुरा लगा? मुझे डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जल्दी पहुंच जाए। ट्रैफिक रूल्स को जो फॉलो नहीं करते, और ये आम फहम होता है कि अगर लोग वन वे को तोड़ते हुए आ रहे हों तो उससे आपको डर लगता है। जी। सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? इनको ये एक ही चीज नजर आई है इसलिए उन्होंने कही है ना। वो और कोई आप बताए? गन फेंकना, पब्लिक राइट्स में जितनी चीजें आती है, आप अगर बाहर जाएंगे तो उधर देखेंगे, अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ है वहाँ पे, वो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल करीब ही आपके नहीं आएगा। हाँ। लेकिन अगर आप कोई गन फेंकेंगे वहाँ पे या कोई पब्लिक राइट को पामाल करेंगे, तो वो पीछे से बंदा जो होगा पब्लिक का, वो आपको एनवायरमेंटल पुलिस को आपका नंबर दे देगा कि इस बंदे ने गन फेंका है। यहाँ पे उल्टा है, सारी चीजें उल्टी है। बिल्कुल। अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ है उसमें जरूर लोग इंटरफेयर करेंगे। हाँ। अगर पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई पब्लिक चीज को खराब कर रहा है या उसको तोड़ रहा है, पब्लिक राइट्स को पामाल कर रहा है, तो कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो कोई गवर्नमेंट नहीं हूं, क्यों इसको रोकूं? Did you get that? I understand. He says that people are too interfering in our lives, but they don't really ask public you stuff that you do publicly. मिसाल देता हूँ, यहाँ पे अगर कोई बिजली चोरी करता है
तो यार मैं क्यों इसकी दुश्मनी मोल लूं, क्यों इसको कहूं। उसकी एक वजह ये भी है कि जैसे मतलब हम अवाम हैं उसी तरह डिपार्टमेंट्स में हमारे ऑफिसर्स भी हैं, हमारे ही बहन भाई हैं, तो वो फिर उनको बता देते हैं कि इस बंदे ने आपकी शिकायत लगा ली है, लेकिन ये ठीक होंगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट किया है फहीम साहब ने कि ये बिल्कुल बहुत होता है। आपको लगता है आर पाकिस्तानीज इंटरफेयरिंग इन पर्सनल लाइफ, इन पर्सन स्पेशली करते हैं पर्सनल लाइफ में? माय एक्सपीरियंस विद द खालास। अमेरिका जाने का? अमेरिका तो नहीं, यूके गया हूँ। यूके गए हैं? जी जी जी। अमेरिका भी पहुंच जाएंगे जल्द। आप कुछ इनको जर्सी के बारे में बताए ना, व्हाट्स द गुड थिंग दैट ही शुड डू व्हेन ही इज इन जर्सी? वी हैव ब्यूटीफुल बीचेस, क्लीन बीचेस। बीचेस पे जाने का शौक है आपको? बीचेस वो कह रही है बहुत जबरदस्त है जर्सी के। और बताएं। और वी हैव अ वेरी नाइस थीम पार्क कल्चर देयर, लाइक सिक्स फ्लैग्स इज देयर। थीम पार्क और सिक्स फ्लैग्स। आपके बच्चों को बहुत झूले वूले वहाँ जहाँ लगे होते हैं वो बहुत जबरदस्त पार्क है वहाँ पे। आप कहीं बैठे हैं झूले पे? क्यों नहीं, कौन सा नहीं नहीं जरूरी तो नहीं है, कई बार इशू भी होता है, लाइक मैं नहीं बैठ सकता झूलों पे, मुझे वो जो वर्टिगो हो जाता है। नहीं बैठते हैं, क्यों नहीं झूले पे बैठते? तो शौक वॉक है ना पाकों शाकों में जाने का? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो कब जा रहे हैं आप जर्सी? नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर देखे उन्होंने फाइनल कर लिया, ये होता है। अब आप उनको पेशावर के बारे में बताएं, आप विजिट करना चाहेंगे पेशावर? या श्योर। तो बताएं सर क्या पेशावर में, क्यों विजिट करें वो? इनको वो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हमारा एक वो बना हुआ है अभी डिस्ट्रिक्ट नाजिम साहब ने, मैं जब डिस्ट्रिक्ट मेंबर था इससे पहले तो हमने बनाया। डिस्ट्रिक्ट मेंबर देखने के लिए पेशावर आए जी? उन्होंने जगह देखनी, रिश्ता नहीं देखना। एग्जैक्टली वो देखे आपको पार्कों का बीचेस का बता रही है, आप उन्होंने कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर देखने के लिए आ जाए। तारीखी मुकामात इनको दिखाएंगे, वो जो सिटी वॉल है उसके अंदर नमक मंडी जो है, हमें ये देखे ना फूड। बाय द वे दिस इज प्लेस इन पेशावर, नमक मंडी, वहाँ पे खाना बहुत जबरदस्त होता है। वहाँ पे एम ने एक फूड स्ट्रीट बनाई है जब मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर था, वो इसको दिखाएंगे, इलाका गैर दिखाएंगे उसको, इलाका गैर दिखाएंगे, दर्रा दमखेल दिखाएंगे उसको, तोरखम बॉर्डर इनको दिखाएंगे। रुक जाएंगे, आगे ना निकल जाइएगा, बॉर्डर तक तो पहुंच गए। हेरिटेज ट्रेन हमारी जो हेरिटेज ट्रेन भी चल रही है अटक से वो पेशावर तक जो आती है उसको ये देखिए। और नॉर्दर्न एरियाज का आपको वैसे ही बहुत शौक है, सो ऑल द माउंटेन्स और जितने नॉर्दर्न एरिया है वो आप इनको दिखा सकते हैं। आप तो उनको लेके निकल जाएंगे घर में, चाहे चोरी हो जाए। Did he manage to sell the pitch or not? Antiques जहाँ बिकती है अंदर शहर में। Antique jewellery. मुगले आजम ने जड़ा कड़ा पाया वो भी टंगे अंदाज़ थे। निर्गोली ना हो गया, सुरमा हो गया भी यार बंदे ने आखे च पाउना। ओ व्हाट्सएप ते मैसेज आ गया मेनू, कॉल मी, जस्ट कॉल मी, मारिए फिर मैं कॉल। अच्छा ते अगो मैंने कहना आई एम जो बाइडन। जो बाइडन? मैं कहा हु इज द जो बाइडन? कहना कमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। आपको जो बाइडन ने भी कॉल किया? जो बाइडन ने कॉल काट मारी है यार। ओ मैं क्या हुजूर मैं तो तुम जानदा ही नहीं ते क्यों कॉल करी जांदे हो? कहना ट्रंप नाल दोस्ती दोस्ती रखनी या लंडे दे खलना एक नाल? मैं कहा लंडे दा खलना। मैनू कहंदे ना कम टू द पेंसिल्वेनिया, फड़िया तियारा एक बंदा सामने आ रहा, ठीक है, मास्क पाया होया, ओके, हाथ दस्ताने चढ़ाए हुए, ओके, हैट पाया होया। मैं क्या या तो जेम्स बांड है ते या मिस्र दी मम्मी है जिदा आखिरी हफ्ते चल रहे। आके मैंने हाथ मिला के मैंने कहना जो बाइडन हेयर। ओए होए कोई आप ही आ गए हो, ड्राइवर नु भेजना सी। मैंने कहना एक काम ही मेरा सी क्योंकि मैं ही तेरे नाल गल करनी है, ठीक है। मैनू कहंदा ट्रंप दा मुकाबला करना है, हु इज दिस, किवें हो सकदा है? अच्छा मैं कहा सर या तो मुकाबला करना पैना है ते या ओदे पैरी पै जाओ। मैनू कहंदा पैरी ते मैं नहीं पैना। अच्छा ऐसा करके मैनू कहंदा। मैं कहा फिर तब्दीली दा नारा मार दियो। अच्छा मारो तब्दीली दा नारा ते ले जाओ सारा मुल्क। मैनू कहंदा नारा की मारा? मैं कहा तुसी कहना है तब्दीली लाओ
ट्रंप मुकाओ। मैंने कहा नहीं इतने पंजाबी अच्छे, पंजाबी इतने लोगों को समझ नहीं आनी। बिल्कुल मैं कहा तुम लिखना है गेट रिड ऑफ ट्रंप एंड एंड द स्लम। मशवरा करा के ट्रंप ठीक है के जो बाइडन। यह हमारे आज के मेहमानों से पूछे, एक तो उनमें से अमेरिकन भी है। माशाल्लाह ट्यूशन सेंटर बना लिया ते जच्चे ही नहीं। ट्यूशन सेंटर पढ़ा नहीं आए लेकिन बच्चे नहीं है यार, वो एमपी है। कौन वो एमपी और वो मॉडल? माशाल्लाह स्कूल च इलेक्शन लड़ दे। अरे नहीं यार इतने छोटे नहीं है वो, लग रहे हैं सर। मैं देखिया थे होए ना, मैं किथे देखिया है। इंजीनियर ने साइकिल सारा खोल के दोबारा फिट कर लेने। जी सर ये बड़े कमाल आदमी ने। मैं कहना ऐसा कमाल इन्होंने उथों दा निजाम बनाया है के कोई बंदा ना तो पटवारी को जांदा है, ना किसी मुश्किल से जांदा है। आ फीस जमा कर अपनी किते नाल ते कागज कटते हो जांदा है। इस बंदे दी वजह पीटीआई ने ना। बिल्कुल क्यों वजह नहीं उन्होंने हुकूमत है ना। इस वजह तो माशाल्लाह बड़े नफीस आदमी ने ते बरजाई भी सियासत। अरे वो बरजाई भी है। मैं सोच रहा हूं कि मैं ओ यस जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म दे विच सन। अरे नहीं यार जिते कार एंड करके समुद्र से जांदी है तो कश्ती बन जांदी है। खुदा वो नहीं नहीं वो नहीं है, लगती है मगर वैसी नहीं है यार। कितने में जूलिया एल्जबर्ट टेलर। अरे नहीं जूलिया रॉबर्ट्स और हैं। जूलिया रॉबर्ट्स नहीं, बट नहीं है वो निमरा है। अच्छा जी उन नाम चेंज कर लेने। अरे नहीं वो है नहीं, तो आप गलत कर रहे हैं। शुरू से निमरा है। जी हाँ। जी बिल्कुल मैं लगता मॉडल है कि नहीं। जी ओ माय गॉड इन्हें देते मैं हजारा इश्तिहार देखे टेलीविजन दे चल रहे ने। माशाल्लाह ही थे अपना लगते थे बाहरों आए ने। बिल्कुल बाहर से ही आई है वो। अच्छा जी बारो अंदर आए तो कहना ये वन फोटो प्लीज। आज बड़े अरसे तो मेरे दिल च ख्वाहिश सी, मैं कहा किसी तुम आओ तो फोटो बनाइए। माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਛੋੜੇਗਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਨ ਹਲਾ ਦੇਣੀ। ਵਾਹ ਬਹਰਾਲ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ? ਕਿਸਕਾ? ਬਾਈ ਜਨਰਲ ਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਲੈ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। ओके श्योर। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए किन को करना चाहेंगी? द ऑप्शंस दैट यू हैव आर मिस्टर आसिफ जरदारी एंड मिस्टर नवाज शरीफ। आई थिंक आई विल गो विद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब देखें सड़ो। यू एंटर अ लिफ्ट, देयर आर थ्री पीपल ऑलरेडी इन इट। एक के साथ आप सेल्फी लोगे, एक को आप कर्टसी में सिर्फ स्माइल बैक करोगे और एक को आप कहोगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। सो हु इज गोइंग टू गो वेयर? द थ्री ऑप्शंस दैट यू हैव आर माहिरा खान, महविश हयात एंड सबा कमर। हु आर यू गोइंग टू टेक द सेल्फी विद? आई लाइक सबा। सबा कमर? या सो ओके विद हर। स्माइल किसको दे रही हैं? महविश। महविश एंड द लास्ट पर्सन के फ्लोर आ गया है माहिरा खान। ओके ठीक है। ये बताएं डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहीम अहमद और जनाब फवाद खान। फवाद। फवाद खान। फहीम साहब ये क्या हुआ? इनको पता है मुझे तैरना आता है। तो फहीम साहब आपकी बारी। जी जी। आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रहे, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए किसको करनी है आपने? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और मोहतरमा शीरी मजारी। ये कैसा क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन। शीरी मजारी। शीरी मजारी साहब को ठीक है। चांद पर जा रहे हैं आप जी, एक स्पेस रॉकेट में बैठे हुए हैं जी, एक सीट आपकी, दूसरी सीट पे किसी और को चांद पर लेके जा सकते हैं जी। लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे ना उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है जी। तो एक तरह से आप उसको वहीं पे छोड़ाएंगे। किसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं अपने साथ आप? ऑप्शंस हैं आपके पास फयाजुल हसन चौहान,
और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत, ओए होए, डॉक्टर आमिर लियाकत को चांद पर छोड़ देना चाहते हैं। टाइटैनिक देखी हुई आपने? जी जी जी। टाइटैनिक पर जाने का वक्त, फहीम भाई जी, दो वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और महविश हयात। महविश हयात, इसमें मोहब्बत नजर आई थोड़ी सी। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह उठेंगे, आपकी नजर उस तस्वीर में पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर में आप? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं असद कैसर और शहबाज शरीफ। असद कैसर। असद कैसर का चेहरा देखना चाहते हैं रोज आप? ठीक है, डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट आपके पास, एक आपके अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं असद कैसर और निमरा। सो सिंपल, क्या इनको? ठीक है वहीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शो पर तशरीफ लाने का आपका। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर ओवर हियर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सर आए ना जरा फिर।